नमस्कार, इन विषय पे दर्शकों का स्वागत है। और आज चर्चा का दौर इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं नागपुर एक बहुत ही बेहद ही चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। जी हाँ, बात करें कोविड-19 के पार्श्वभूमि पर, जहां पर दिन ब दिन आंकड़े जो है नागपुर वासियों को डराते जा रहे हैं। आज इस चर्चा में मेरे साथ में शामिल है हमारे एडिटर इन चीफ इमरान। इमरान, आपका स्वागत है। आपका स्वागत भी मैं कैसे करूं? क्या ये स्वागत करने का समय है कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, और जिस तरह से हम इसका स्वागत कर रहे हैं कोरोना का, कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति जो है सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दिन पहले हम जब टीवी ऑन करते तो इटली की खबर देखते थे जी, इटली में किस तरह से मौतें हो रही है। उसके बाद हमने अमेरिका में देखा, जहाँ लाशें जो है पूरे रास्तों में, मतलब कब्रस्तान में जगह नहीं थी लाशें गाड़ने के लिए। ब्राजील का उदाहरण देखा। उसके बाद हमने सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो चाइना के कुछ वीडियोस आ रहे थे जी। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, तो जो मुंबई का जो भयावह स्थिति थी, रोज जो मरने के आंकड़े थे बढ़ते जा रहे थे। मगर आज अगर अगस्त का महीना देखे तो अगस्त महीने के शुरुआती 7 दिनों में 150 करीब मौतें हुई है। और सिर्फ नागपुर की हम बात करें, 150 का आंकड़ा जो अभी इमरान ने बताया वो सिर्फ नागपुर की हम बात कर रहे हैं। और आज की स्थिति की, अगर आज के आंकड़ों की अगर हम नागपुर की बात करें, तो नागपुर में जो है 269 मौतें हो चुकी हैं। जो 269 मौतें जो है नागपुर की अगर हम बात करें, तो हम हमारे दर्शकों को बता दें कि इसमें आज नागपुर में 46 मौतें हुई है, जिसमें 269 में से जो है नागपुर शहर में 181 मौतें हो चुकी है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 46 मौतें हुई है। और अन्य जो जगह है जहां से बाहर से कोई पेशेंट आए थे, अमरावती से कहीं या कहीं और से जो नागपुर में एडमिट थे, ऐसे 42 पेशेंट जो है कोरोना से पॉजिटिव थे, जो इनकी मौत हो चुकी है। 7,747 का आंकड़ा अब तक का पॉजिटिव का, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलार्मिंग। जी हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से पहले जब शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं कि हम अभी सिंह के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे थे कि किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे। पहले शुरुआत के दौर में अगर पॉजिटिव की बता रहे तो 4 का आंकड़ा काफी दिन तक कंटिन्यू रहा जी। उसके बाद की हम बात कर रहे हैं जब मार्च और अप्रैल की शुरुआत थी, और उस वक्त कोरोना ने दस्तक भर दी थी, और उस वक्त 4 भी पॉजिटिव हमारे लिए चिंता का विषय हो गया था। और कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना की अब तक की बढ़त देखें, तो नागपुर एक आदर्श शहर कहला गया था, जहां पे कोरोना की रोकथाम, कोरोना के मौत के आंकड़े जो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण में थे। जी जी, काफी न्यूज़ें आपने देखी होंगी, पूरे भारत में सबसे कम डेथ रेशो जो था नागपुर का था। लेकिन आज जो है स्थिति काफी चिंताजनक है। रोज कल की अगर बात करें तो 25, फिर 40, और ये आंकड़ा किस हद तक जाएगा इसकी कोई भी समय सीमा, हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इस आंकड़ों के लिए कहीं ना कहीं अनलॉक या मिशन बिगिन अगेन में जो कहीं कमियां रह गई। जी हाँ, बिल्कुल। एक कमियां की बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दर्शकों को एक बताना चाहूँ कि कई कयास लगाए जा रहे थे कि 1 अगस्त से लॉकडाउन लगेगा, 25 जुलाई से लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, अटकलें लगाई, बहुत यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत राजनीति भी हुई है, प्रशासन की ओर से भी कुछ बातें बोली जा रही थी। जहाँ एक तरफ हमारे महापौर संदीप जोशी ने एक समिति बनाई थी, पूरे शहर का जायजा लिया गया। उसके बाद तुकाराम मुंडे जी भी आ गए, उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े सुधरते नहीं है तो मुझे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेस में हमारे पालक मंत्री भी उतर गए जी, उन्होंने भी अब एक नई समिति गठित की, विभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स उस समिति में थे, तो उन्होंने भी कई आकलन किया। और उन्होंने भी ये बीच में बताया, जो चर्चाएं हो रही थी कि ये समिति 4 दिन पहले बताया जाएगा कि लॉकडाउन होगा, स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं आई, लोग अगर बाहर निकलना अगर कम नहीं कर दिया गए और व्यापारियों ने अगर नहीं संभाले तो लॉकडाउन किया जाएगा। मगर आज की स्थिति देखे तो अगर अगस्त महीने की शुरुआत देखे, शुरुआत से ही जो भारी मात्रा में 10 के ऊपर आंकड़ा रहा है जी मौतों का, और आज मतलब 7 तारीख का जो आंकड़ा देखे तो 40 तरह से विस्फोट हो गया, 40 मौतें हो रही है। और जुलाई के जैसे आज पालक मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जुलाई महीने में 100 मौतें हुई थी और पिछले 6 दिनों में 100 मौतें हो चुकी है जी, और आज 40 उसमें जोड़ दिया जाए तो 143 करीब
मौतें ये पिछले 7 दिनों में नागपुर में हुई है। लेखा जोखा अगर देखे तो और मौत का आंकड़ा जो है बहुत बुरी तरह से डरा, हर जगह पे चिंता का वातावरण है। लॉकडाउन कई जगह तो आक्रोश हो रहा है कि लॉकडाउन की अब तो सही जरूरत है। जो अब तक के लॉकडाउन थे वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं प्लानिंग का अभाव था या कहीं बहुत सारी कमियां इसमें रह गई थी, लेकिन आज जो है परिस्थिति इतनी विपरीत हो चुकी है, भयावह आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। हम तो कहेंगे एक विश्लेषणात्मक अगर कहें कि जो राजनीति की आपने बात कही तो ये राजनीति एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, चौतरफा हो रहा है। अब वो इस तरह से कि एक जगह जहां लोक प्रतिनिधियों का पक्ष अपनी अलग बात रख रहा है, महानगर पालिका का प्रशासन अपनी बात अलग रख रहा है, पालक मंत्री महोदय का एक अलग वर्ग है, तो वहीं जो एक कलेक्टरेट है नागपुर कलेक्टरेट की बात करें उसका अपना अलग पक्ष है। तो ये चारों जगहों की जो है जिनके पक्ष जिनके हाथों में है ये नागपुर शहर की धुरा संभालना, तो कहीं ना कहीं इनमें समन्वय का बेहद ही अभाव दिखाई दे रहा है और इस वजह से नागपुर की जो स्थिति है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। एक अहम हिस्सा इसमें जनता का भी है, जनता ने भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां हमें छूट मिली, जहां हम मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत रास्तों पर चल रहे, तो वो रास्तों पर चलने के लिए हमें जो मुभा दी गई है, हमें जो परमिशन दी गई उसका हमने उचित सम्मान करना चाहिए। सम्मान भी नहीं हो रहा, इस वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े जो है बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आंकड़े बढ़ने के बाद बस अब नागरिकों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही है, चलो ठीक है टेस्टिंग बढ़ चुकी है, आंकड़े बढ़ रहे हैं ठीक है, मगर मौतें जो बढ़ रही है इसके रीजन क्या है, या फिर प्रशासन या मेडिकल व्यवस्था अपनी सुचारू ढंग से उस नहीं है, जिसे आज अपने पालक मंत्री नितिन राउत जी ने कहा जी। कि जो अभी जो मौतें हो रही है, मुंडे जी ने भी कहा था जो मौतें हो रही है उसका रीजन यही है कि लोग आगे आके नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल देखिए, एक तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव है उन तक पहुंचना, और इसके लिए हम लोगों को भी कैसे दोष दे, आपने महानगर पालिका ने और एक हेल्थ सेंटर ने एक एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी में कई बदलाव हुए और आज तो ऐसे बदलाव है कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे सामने कैसे उदाहरण है कि ऐसे में कोविड पेशेंट पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी प्रशासन उन तक पहुंचने में काफी देर कर रहा है जी। और इस वजह से भी मौत का आंकड़ा, आपने जो पालक मंत्री महोदय की बात कही कि जहां पर लोगों को पता नहीं चल रहा या प्रशासन को पता नहीं चल रहा कि कितने लोग पॉजिटिव है, लेकिन पता चलने के बावजूद भी कहां उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, एक आपको उदाहरण दूं, कई एक दो पेशेंट हमें कांटेक्ट हुआ, उनके परिजन हमें कांटेक्ट किए फोन के माध्यम से, जब हमें पता चला कि 2 दिन पहले उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है और तबीयत खराब हो चुकी है उनकी जी, उसके बावजूद उन्हें 2 दिन के बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग होने के बाद मनपा के अधिकारी जाते हैं और फिर उन्हें लेके जाते हैं, और तब तक वो 2 दिन तक वो पेशेंट के क्या हाल होते हैं वो उनके घर वालों को ही ज्यादातर अच्छी तरह से पता है जी। और उसके बाद जब वो पेशेंट कोविड केयर सेंटर में जाते हैं, वहां पर उनकी जो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वहां जाने के बाद में ऐसे व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर में क्या गुजरती है। कई किस्से ऐसे में देखने को मिले हैं कि जो मौतें हुई है, मौत होने के पश्चात जो है उनके साथ में सारे जो उनकी उत्तर क्रिया, मौत के पश्चात की सारी उत्तर क्रिया होने के बाद में प्रशासन द्वारा जो है वो परिवार को जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये समन्वय का अभाव, कहीं ना कहीं लोगों में ये डर या कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति रोष, ये तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रही तो। और एक उदाहरण हम मैं एक साझा करना चाहूंगा दर्शकों के सामने, ये घटना है नागपुर के शांतिनगर की है। जी हाँ, पिछले 4 दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत मेयो हॉस्पिटल में हुई थी जी। जी हाँ, मेयो हॉस्पिटल में होने के बाद उनकी जो बॉडी है उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंची, उनको लेट मालूमात हुई, उसके बाद जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि उनकी बॉडी दफनाई गई थी। उसके बाद उनके एक फैमिली की टेस्ट जो है प्राइवेट अस्पताल में की गई, वहां की महिला पॉजिटिव आई जी। जो मृतक थी उनकी वाइफ जो 66 साल की बुजुर्ग थी वो पॉजिटिव आई जी। पॉजिटिव आने के बाद 2 दिन हो गए, मगर उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ले जाना था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी थी। महानगर पालिका के शांतिनगर के कुछ अधिकारी से मैंने बात की जी। जब बात करने के बाद पता चला, बात करने के बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए उन्हें
एडमिट किया गया कोविड केयर सेंटर जब तक दो दिन हो चुके थे जी, तब तक उनकी कोई सूद नहीं ली गई थी। उसके बाद उनके फैमिलीज की भी अगर टेस्टिंग हुई तो वो भी पॉजिटिव है जी। तब तक प्रशासन ने क्या किया, दो दिन जो बीते, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात जब मुंडे जी भी कह रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, जब कोविड पेशेंट की मौत हुई तो उनके परिवार के कोविड टेस्ट क्यों नहीं हुई। और इसके बाद आज मैं एक दुखद घटना भी बता दूं, दुखद घटना कि है। जो महिला थी 66 ईयर की, उनकी आज मेडिकल अस्पताल में मौत हो चुकी है। और उनके मौत के पश्चात भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे और प्रशासन भी इस तौर जरूर ध्यान दे कि उनकी जो मृतक का जो शरीर है, वो जो उनकी डेड बॉडी है, उसको भी परिवारजनों तक मिलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी जगह पे कांटेक्ट करने पड़े। तो ये आम जनता अगर इस तरह से जो है अगर परेशान होगी तो क्या होगा? एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से मौतें नागपुर में बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, क्या प्रशासन इसके लिए अभी तैयार है या नहीं है, या प्रशासन ने जनता को जनता के हवाले पे, जैसे हम अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो कोविड के लिए भी क्या जनता ने आत्मनिर्भर। एक और अहम सवाल और एक अहम मुद्दा यहाँ पर हो जाता है कि एक बात ये हो रही थी कि अभी भी महानगर पालिका द्वारा निर्धारित या गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में सभी जगह कहा जा रहा है कि बेड जो है अभी भी अवेलेबल है। उसके बावजूद अगर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, वो सभी हॉस्पिटल जो है फुल है। तो ये दोनों चीजों में इतनी सारी तफावत क्यों है, ये दोनों तरफ से ये इस तरह से जो कंट्रोवर्सियल चीजें हैं वो इस वक्त, तो क्या कोविड 19 के पार्श्वभूमि पर कहीं ना कहीं इसका व्यापारीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, मॉनिटरी लाभ पहुंचाने के लिए सारी चीजें हो रही है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो दो हॉस्पिटल्स के उदाहरण तो हमारे सामने, जिन पर कार्रवाई भी की गई है, जिनको नोटिस भी दिए गए हैं जी, होटल्स सॉरी हॉस्पिटल 7 स्टार हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया मानपा की ओर से। और 7 स्टार हॉस्पिटल की हम बात करें तो 7 स्टार हॉस्पिटल के लिए बीन बिशन के लिए तो ये एक हादसा भी हमारे साथ में हुआ, जहाँ पर वहाँ पे जब हमारे संवाददाता वहाँ पर गए तो उनके साथ में बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार वहाँ पर किया गया। हमारी महिला संवाददाता वहाँ पर गई थी, वहाँ पर उनके साथ में उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया जी। ये भी एक बहुत बड़ा एक मायने रखता है, अगर इस हॉस्पिटल प्रशासन अगर इस तरह से व्यवहार अगर मीडिया से करता है या फिर वो वहाँ आने वाले पेशेंटों से करता है तो जो आम जनता है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, आप किसी जीवन के साथ में, हम ये आज नागपुर में कहीं ऐसे नागपुर में कहीं पूरे देश में मेडिकल की जो एक टीम है कोविड योद्धा के रूप में अपना सर्वस्व लगा रही है, बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जहां पे पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। एज ए मीडिया हम भी उनका सम्मान करते हैं, उनको सलाम करते हैं, लेकिन उसी वक्त मेडिकल प्रशासन के ही कुछ लोग सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए अगर इस तरह से लोगों के जीवने के साथ में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक दर्दनाक या एक कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी बात सामने आती, उभर कर सामने आती। बिल्कुल, हमारे आज के शो में एक ये शो का अगर सार कहा जाए तो प्रशासन को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि हमको पूरे शहर जो है पूरे कंट्रोल में है, जैसे आज नितिन राउत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि बेड की व्यवस्था पूरी तरह से सज्ज है जी, तो फिर मेरा बोलना यह है कि मौतें क्यों नहीं रोक पा रही नागपुर जी। कहना बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि जब सारी व्यवस्था है, पूरी तरह से प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और सारी सुविधाएं आपके पास में मौजूद है, तो फिर वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो क्यों नहीं हो पा रही है? मौत के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं? अनलॉक की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लॉकडाउन होगा नहीं होगा इस पर संभ्रम बना हुआ है, किस तरह से जो आम लोगों की जिंदगी एक डर के साए में, बेहद ही डर के साए में है, एक लटकती हुई तलवार के साए में सारी जनता जी रही है, तो ये कब तक चलेगा? एक और जहां हमने मेडिकल प्रशासन को कोविड योद्धा का करार दिया, एक पुलिस प्रशासन को भी हम कोविड योद्धा कहेंगे। हमने देखा है कैसे रास्तों पर उतर कर पुलिस प्रशासन ने अपनी सेवाएं दी है। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बहुत दुखद घड़ी है कि नागपुर में एक दिन पहले दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए बहुत ही संवेदनशील ये बात है कि कोरोनाग्रस्त जो ये दो पुलिस कर्मी थे उनकी डेथ हो गई, और हम अपनी श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने काफी जो है कोशिश की, पुलिस प्रशासन जो है कोविड योद्धा के तौर पर जो है काम कर रहा है, हम उन्हें भी सलाम करते हैं।
जी हाँ, और नागपुर की अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर अगर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर बोला जाए जी, अनलॉक के बाद चंद्रपुर बोला जाए या अमरावती बोला जाए या अकोला, महाराष्ट्र की बात की तो लातूर पूना, यहाँ फिर से जनता कर्फ्यू, जहाँ जिस तरह से रेट बढ़ रहा था पॉजिटिव का और मौत का दर्जा बढ़ना शुरू हो चुका था इस शहरों में जी, तो 7 दिन का लॉकडाउन, 8 दिन का लॉकडाउन, एक स्मार्ट लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, सैटरडे संडे कर्फ्यू, इस तरह प्रकार की योजनाएं की गई, तो ये नागपुर में क्यों नहीं गई? क्या नागपुर पॉलिटिक्स का शिकार बन चुका है या नागपुर वासियों को प्रशासन और पूरी तरह से सरकार ने छोड़ दिया है कि यहाँ पर जो भी होगा वो जनता के द्वारा होगा या फिर एक दिन दोष भी जनता को ही दिया जाएगा जी, कि हमने मिशन बिगिन बिगिन अगेन के अंतर्गत आपको ये सुविधाएं दी, सुख सुविधाएं दी और उसका आपने गलत फायदा उठाया, कि तो आज जो बढ़ते हुए आंकड़े इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनता जिम्मेदार है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, इस तरह से अगर बर्ताव रहा तो क्या समन्वय साधा जाएगा, और ये बढ़ते हुए आंकड़े जिसमें हमारे पूरे परिवार शामिल है, पूरा नागपुर शामिल है, तो ये बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं रोज हमको डरा रहे हैं, किसी ना किसी भयानक आकांक्षा की तरफ ये ले जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा चिंता का। बिल्कुल, आज दर्शकों को हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस तरह से बढ़ते मौतें का जिम्मेदार कौन, प्रशासन या जनता? और अगर ये स्थिति ऐसी है, प्रशासन जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार है, तो क्या नागपुर ने एक और लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन को आगे जाना चाहिए, या इस पर किस तरह से हम ये कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को हम संभाले, या कोरोना से हम डरे ही नहीं? ये कई सवाल है जो हमारे मन में है, सारी जनता के मन में है, और इसका जवाब जहाँ जनता देगी वहीं प्रशासन के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को भी इसका जवाब जरूर ढूंढना चाहिए। और इसी नोट के साथ में इस कार्यक्रम को इस वक्त हम विराम देते हैं। दर्शकों से फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि इस वक्त आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब तक जरूरत ना हो आप घर के बाहर ना निकले, निकले तो पूरी सुरक्षा और सुविधा के साथ में निकले, अपना ख्याल रखें, परिवार का ध्यान रखें, ये इस वक्त बहुत जरूरी है। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसी चर्चा के लिए दर्शकगण बने रहें हमारे साथ में NBC न्यूज़ पर।